पाली में निमाज की झाला चौकी गांव में भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी का समाजसेवी राम सिंह उदावत और विधायक अविनाश गहलोत के नेतृत्व में स्वागत किया गया। दिया कुमारी का भाजपा कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के लोगों ने गुड़ से और तोलकर के स्वागत किया। दिया कुमारी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि मैं उस सैनिक की पुत्री हूं जिन्होंने केवल एक रुपया महीना वेतन में देश सेवा के लिए काम किया है। उन्होंने राजसमंद की महान योद्धाओं के शौर्य को नमन किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने दिया कुमारी को स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाया। यहाँ की जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, यहाँ रेलवे लाइन की जगह जगह पे समस्या है, ब्रॉडगेज की बहुत बड़ी मांग है तीन जगह पे, वो मैं सबसे पहले उस बात को मैं केंद्र में रखूंगी और कोशिश करूंगी कि वो उनकी मांग पूरी हो। फिर फॉलिंग की भी बात है, वो भी करने की कोशिश करेंगे। जगह जगह पानी की समस्या भी है, तो पानी का भी कुछ ना कुछ हम लोग समाधान निकालेंगे। कुछ आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर की भी बात आई थी, उसको भी खोलने की, यहाँ पर शुरू फिर से शुरू करने की बात रखेंगे। और भी जो समस्या है वो बिल्कुल प्राथमिकता पे ही रहेंगी, नहीं तो एमपी बन के क्या फायदा, अगर आप काम नहीं कर सकते, जनता की सेवा नहीं कर सकते, जनता की जो डिमांड्स है उनको पूरा नहीं कर सकते।